माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा को लेकर शेष प्रश्न पत्रों को आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते ग्वालियर शिक्षा अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी केंद्र अध्यक्षों से सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज कराने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई सेकेंडरी परीक्षा को लेकर जनरल प्रमोशन को नकारने के बाद अब शेष प्रश्न पत्रों को आयोजित कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी केंद्र अध्यक्ष से COVID-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और परीक्षा केंद्र को प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले सैनिटाइज कराने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों को COVID-19 संबंधी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। गर्मी के कारण पानी की बोतल अपने घर से लेकर आने की छात्रों को सलाह दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर भी पानी की समुचित व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से शुरू हो रही हाई सेकेंडरी की शेष परीक्षाओं के लिए जिले भर में 52 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 61 केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं, जबकि 31 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनमें करीब 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। एक बार में एक ही विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे छात्रों का जमावड़ा परीक्षा केंद्र पर नहीं हो सकेगा और कम छात्र समुचित दूरी बनाकर बैठ सकेंगे एवं परीक्षाएं दे सकेंगे। इसमें COVID-19 के जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी गाइडलाइन है उसका हम यहाँ टोटल फॉलो करेंगे। इसके संबंध में ग्वालियर जिले में 92 सेंटर्स हैं, 19 सभी केंद्र अध्यक्षों की वेब मीटिंग हमने ले ली है और सभी को निर्देशित किया है कि प्रत्येक केंद्र में शासन द्वारा निर्धारित COVID-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाए और हर केंद्र में प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए और उसके लिए सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध रहे केंद्र में, और उसके साथ में जो भी उसके सुरक्षा के प्रावधान हैं, जैसे सैनिटाइजर है, साबुन है और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पूर्णतः पालन किया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।